अन्ना हजारे की बात करते हैं। अन्ना हजारे के शिष्य बनकर अरविंद केजरीवाल राजनीति में उतरे और देखते देखते दिल्ली में सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए। लेकिन अब अन्ना हजारे ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने उनके विश्वास को तोड़ कर रख दिया। मामला शुंगलू कमेटी से जुड़ा है, जिसकी रिपोर्ट को लेकर दिल्ली की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। मैं जब शुंगलू कमेटी का रिपोर्ट जब देखा पढ़ा तो मुझे बड़ा दुख हो गया, इस बात का बहुत दुख हो गया। बड़ी आशा हमने की थी, एक उम्मीद रखी थी कि ऐसा एक नवयुवक, लिखा पढ़ा नवयुवक कुछ अच्छा काम करता है, अच्छी बात है। लेकिन ये शुंगलू कमेटी के रिपोर्ट से मेरा वो जो सपना था टूट गया है। जिस शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को लेकर अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल के बारे में इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया है, उसी कमेटी की रिपोर्ट को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल भेजने की साजिश रच रही है। तो इस मनीष सिसोदिया ने शिक्षा माफिया के ऊपर, शिक्षा माफिया से गुत्थम गुत्था हो रहा है, शिक्षा माफिया पे नकेल कसी है। बीजेपी वालों ने सीबीआई से बात करके 3 केस ठोक दिए, मनीष सिसोदिया के ऊपर 3 केस लगा दिए। किसी भी दिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। हमारा एक और पागल मंत्री है सत्येंद्र जैन, ये सारे वो कर रहा है जी, रोज सुबह से शाम तक 24 घंटे लगा रहता है जनता की सेवा में। बीजेपी वालों ने क्या किया, 4 केस ठोक दिए सत्येंद्र जैन के ऊपर। कहते तूने 2009 में फलानी फलानी जमीन खरीदी थी, तूने 2011 खरीदी थी, तब क्यों नहीं पकड़ा तुमने अगर गलत थी तो। गौरतलब है कि शुंगलू कमेटी की जो रिपोर्ट मीडिया में आई है उसके मुताबिक सबसे ज्यादा गड़बड़ी दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में मिली है, जिसके मंत्री सत्येंद्र जैन हैं। कमेटी की रिपोर्ट में सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन की दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट में मिशन डायरेक्टर सलाहकार पद पर नियुक्ति पर सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार निकुंज अग्रवाल को स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी बनाए जाने को भी गलत बताया गया है। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में इस तरह के और भी कई संगीन आरोप केजरीवाल पर लगाए गए हैं, जिसके बाद कल ही केजरीवाल ने बड़े दिनों बाद अपने गुरु अन्ना हजारे को याद किया। अन्ना जी कहा करते थे ना, अगर आप जनता की सेवा करते करते देश के लिए अगर आप जेल जाते हो तो जेल जाना भूषण है, और अगर आप रेप करके, बलात्कार करके, हत्या करके जेल जाते हो तो जेल जाना दूषण है। मैं जब शुंगलू कमेटी का रिपोर्ट जब देखा पढ़ा तो मुझे बड़ा दुख हो गया, इस बात का बहुत दुख हो गया। बड़ी आशा हमने की थी, एक उम्मीद रखी थी कि ऐसा एक नवयुवक, लिखा पढ़ा नवयुवक कुछ अच्छा काम करता है, अच्छी बात है। लेकिन ये शुंगलू कमेटी के रिपोर्ट से मेरा वो जो सपना था टूट गया है। अन्ना हजारे का ये बयान केजरीवाल के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि आम आदमी के बीच उनकी पहचान अन्ना हजारे के शिष्य के तौर पर ही थी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।